नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका डीएस एडवाइस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओटीपी नॉट कमिंग प्रॉब्लम सॉल्यूशन के बारे में। दोस्तों बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम हो जाता है, कभी कभी हमारे जो मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी नहीं आता, चाहे वो आधार के रिलेटेड हो या फिर आप किसी भी प्रकार के सिम रखे हो, वोडाफोन, जियो, आइडिया, एयरटेल, कोई भी सिम हो, कभी कभी हमें ओटीपी नहीं आता। तो इस केस में हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों कुछ दिन पहले ही मुझे ये प्रॉब्लम हुआ था और उसे मैंने फिक्स किया था। हालांकि मेरे केस में तो ये फिक्स हो गया था और जो मेथड मैंने यूज़ किया था सेम मेथड मैं आपको बताऊंगा। अगर आपका उससे सॉल्व हो जाए तो बहुत ही खुशी की बात है, लेकिन हो सकता है फ्रेंड 99% लोगों का ये प्रॉब्लम इस प्रकार से सॉल्व हो जाएगा, 1% होंगे जिनका प्रॉब्लम में भी सॉल्व ना हो, ठीक है। बट फिर भी आपको ट्राई करना है, प्रॉब्लम है तो कैसे भी आपको दूर करना है। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि ओटीपी क्यों नहीं आता, ठीक है। यहाँ पर 2-3 रीज़न मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको मोबाइल के स्क्रीन पर चल के बताऊंगा कि मैंने किस तरह से इसको फिक्स किया था। सबसे पहला रीज़न ये है फ्रेंड्स कि अभी के समय में क्या होता है फ्रेंड्स कि आपको हर मंथ रिचार्ज करना पड़ता है, ठीक है। तो आपको ये ज़रूर से मेक श्योर हो जाना है, चेक कर लेना है कि आपका जो सिम है उसमें बैलेंस अवेलेबल है। पहले क्या होता था फ्रेंड्स कि हमें लाइफ टाइम के लिए सिम मिल जाता था, एक बार रिचार्ज कराना है वो लाइफ टाइम हो जाता था, सिम खरीदते वक्त ही लाइफ टाइम हमें मिल जाता था। उसके बाद हमें बात करने के लिए, कॉल करने के लिए या फिर इंटरनेट यूज़ करने के लिए रिचार्ज करना पड़ता था। लेकिन आज के समय में फ्रेंड्स आपको हर मंथ रिचार्ज करना पड़ता है, अदरवाइज आपका जो कॉल है वो ना ही रिसीव कोई कॉल आएगा और ना ही कोई एसएमएस आएगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ सबसे पहले चेक कर लेना है। दूसरा चीज़ क्या है फ्रेंड, जो कि है डीएनडी यानी डू नॉट डिस्टर्ब। कभी कभी ऐसा होता है फ्रेंड कि हम जो भी अपना सिम होता है फ्रेंड्स उसमें डीएनडी एक्टिवेशन कर देते हैं, तो बहुत सारे ऐसे जो मैसेजेस आते हैं फ्रेंड्स वो हमें मिल नहीं पाते हैं। तो आपको ये चेक कर लेना है कि आपका जो भी नंबर है उस पर डीएनडी एक्टिवेशन तो नहीं लगा है, ठीक है। तीसरा जो तरीका है फ्रेंड्स वो है आपका ब्लैक लिस्ट। कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स कि हम बहुत सारे ऐसे नंबर होते हैं जो कि अनवांटेड मैसेज हमें भेजते रहते हैं, तो उस नंबर को हम लोग क्या करते हैं कि ब्लॉक कर देते हैं, तो उससे फ्यूचर में हमें कोई भी प्रकार का कॉल्स नहीं आता है, कोई भी मैसेज नहीं आता है। तो इस केस में फ्रेंड्स हो सकता है गलती से भी हमने किसी नंबर को ब्लॉक कर दिया हो और वो ज़रूरी हो बाद में, और उससे हमें कोई भी ओटीपी नहीं आ रहा है, कोई भी मैसेज नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ भी आपको अपना चेक कर लेना है ब्लॉक लिस्ट में जाके कि मैंने कोई नंबर को ब्लॉक किया है या फिर नहीं किया जो कि यूजेबल हो, ठीक है। तो ये 3 चीज़ आपको चेक कर लेना है। चौथा चीज़ मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स कि आपको कस्टमर केयर से भी बात करना है। बहुत बार ऐसा होता है फ्रेंड्स कि कस्टमर केयर की तरफ से भी ये प्रॉब्लम हो जाता है, तो हमें उनसे भी बात करना है और उनसे पूछना है कि आखिर ये प्रॉब्लम हमें क्यों हो रहा है। दोस्तों आपको बता दूं कि जब भी कोई मैसेज आता है तो वो सबसे पहले सर्विस प्रोवाइडर के पास जाता है और सर्विस प्रोवाइडर हमें हमारे नंबर पर सेंड करता है। तो इन दोनों के बीच का जो भी प्रॉब्लम होता है फ्रेंड्स वो कस्टमर केयर के कॉल करने के बाद ही सॉल्व किया जा सकता है। तो ये कुछ तरीके हैं फ्रेंड्स जिनको आपको ध्यान में रखना है, और सबसे पहले इन चीज़ों को चेक कर लेना है कि आपका कुछ भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम है या फिर नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है फिर मैं आपको जो अभी मेथड बताऊंगा उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, उसको आपको सिंपली चेक कर लेना है कि ऐसा कुछ अगर है तो फिर आपको उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। साथ ही साथ मैं इस चैनल पे मोबाइल से जुड़ी या फिर कंप्यूटर से जुड़ी छोटी छोटी प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करते हैं उसके बारे में ही जानकारी देता हूं। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे आप भी मुझे सपोर्ट करोगे और मैं तो वीडियो बना के आप लोग का सपोर्ट कर ही रहा हूं। तो चलिए चलते हैं फ्रेंड्स मोबाइल के स्क्रीन पर। तो दोस्तों यहाँ पे आ चुका हूँ मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे, और सबसे पहले मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स कि ये मैं रेडमी का फ़ोन यूज कर रहा हूँ। आपके पास कोई भी फ़ोन हो सेटिंग सबका सेम ही होता है। यहाँ पर आपको जाना है सेटिंग में, ठीक है। सेटिंग में सबसे पहले आपको जाना है, और सेटिंग में जाने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सिम एंड मोबाइल नेटवर्क पे क्लिक करना है, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको जो भी अगर सिम में आपका प्रॉब्लम है, जैसे मान लीजिए मेरा जियो में प्रॉब्लम है, इस पर मैं क्लिक करूँगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स आपको यहाँ पर चेक कर लेना है यूज वोल्ट जो लिखा हुआ है ये आपका ऑन होना चाहिए, ठीक है। अगर ये ऑन नहीं होता है फ्रेंड्स तो आपका जो कॉलिंग है वो काम नहीं करता और मैसेज भी काम नहीं करता, तो ये आपको सिंपली सबसे पहले ऑन कर लेना है। अगर ऑफ है तो आप इसे ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको बैक जाना है, सॉरी बैक यहाँ पे फिर से आपको आना है, और यहाँ पर ये जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है यूज मोबाइल डेटा ड्यूरिंग वोल्ट कॉल्स ऑन सेकेंडरी सिम, इसको भी आपको सिंपली ऑन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको बैक आना है,
बैक आने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है गूगल का, ठीक है। इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अभी फ्रेंड्स आपको देख लेना है, जैसे मान लीजिए मेरे केस में ये ईमेल आईडी से मैं यहाँ पे लॉगिन किया हुआ हूँ। अगर आपके पास बहुत सारे ईमेल आईडी है तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जितने भी ईमेल आईडी होंगे वो आ जाएंगे। वो ईमेल आईडी को आपको सिलेक्ट कर लेना है जो आपका मेन ईमेल आईडी है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर बैक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा फ्रेंड्स, डेटा एंड मैसेजिंग। इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है, ठीक है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे फ्रेंड्स तो आपको यहाँ पे डिवाइस फोन नंबर दिखाई देगा, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स आपको सबसे पहले अपना इंटरनेट कनेक्शन भी ऑन कर लेना है और यहाँ पे क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पर जो भी आपका नंबर होगा वो आ जाएगा। आपको यहाँ पे देख लेना है फ्रेंड्स कि अगर आपका यहाँ पे नंबर दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ पर आपको ऐड करने का ऑप्शन दिखाई देगा। मेरे केस में देख सकते हैं फ्रेंड्स दो नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर अगर नंबर ऐड दिखाई नहीं दे रहा है तो आपको यहाँ पे ऐड करने का ऑप्शन रहेगा। उस पर आप ऐड पे क्लिक कीजिएगा तो आपको नंबर पूछा जाएगा, उस नंबर को आप डालिएगा जिस नंबर पर ओटीपी नहीं आ रहा है। उसको डालने के बाद ही फ्रेंड्स आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा गूगल की तरफ से। उसके बाद फ्रेंड्स आपको ओटीपी डालना है और सेव कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स कि अपना जो मोबाइल है उसको आप सिंपली एक बार क्या कीजिएगा, यहाँ पे आइएगा और इसको सिंपली मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर एरोप्लेन मोड का एक ऑप्शन दिखाई देता है फ्रेंड्स, इस पर आप सिंपली क्लिक कर दीजिएगा और 5 मिनट बाद फिर से आप इसे ऑन कर दीजिएगा। अगर फिर भी नहीं होता है फ्रेंड्स तो आप एक बार क्या करेंगे कि अपना फ़ोन को स्विच ऑफ कर लेंगे और 10 से 15 मिनट बाद फिर से ऑन करेंगे और जो काम आप कर रहे थे यानी जहाँ से आप ओटीपी सेंड कर रहे थे एक बार फिर से आप ट्राई करेंगे। डेफिनेटली मैं आपको बोल रहा हूँ फ्रेंड्स 99% आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। आप इस एक बार इसे ट्राई कीजिए फ्रेंड्स। मैंने सिंपली इसी तरीके से अपना प्रॉब्लम सॉल्व किया था और मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपका भी ये प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा। मैंने इसी मेथड से अपना प्रॉब्लम सॉल्व किया था, आप भी ट्राई कर सकते हो सकता है इस मेथड से आपका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर जरूर करना, जिसको भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको हेल्प हो जाएगी। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियोज में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।